सुनिए, एक तो पार्क में लाइन खोद करके घेर गए, ये जो पानी की बहुत बड़ी मोटी लाइन जो है अंदर अंदर खोदी है, और ना उसको जो है लेवल करके गए, पाइप पड़े हुए हैं, बिजली, हाँ, और बिजली की जो है 10 दिन सप्लाई काट के चले गए। बताइए, लोग पानी को भी तरस रहे हैं, पौधों को तो क्या पानी दे देंगे हम? नहीं, बहुत बड़ी बीचों बीच पानी की लाइन की खुदाई हुई है जेसीबी से। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। 18 नवंबर 1962, 1800 फीट ऊंचाई, माइनस में तापमान के बीच रेजांगला पोस्ट पर चीनी सैनिकों को धूल चटाने के बाद अपने प्राणों की आहुति देने वाले अहिरवाल के वीर सैनिकों की आत्मा आज उनकी याद में रेवाड़ी के रेजांगला पार्क में बनाए गए वार म्यूजियम की बदहाली को देखकर शायद आंसू बह रही होगी। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि शहादत के बाद उनकी याद में बनाए गए इस तरह के म्यूजियम की भी अनदेखी हो सकती है। शहर के गढ़ी बोनी रोड पर बनाए गए रेजांगला पार्क में वार म्यूजियम का उद्घाटन नवंबर 2010 में किया गया था। वादे भी खूब हुए, कहा यहाँ तक गया कि रेवाड़ी का ही नहीं प्रदेश भर के लिए यह अपने आप में सबसे बड़ा युद्ध स्मारक होगा। 2017 में म्यूजियम में MiG-21 फाइटर प्लेन को स्थापित करने की भी घोषणा की गई। 2 साल बाद 2019 में हरियाणा सरकार ने 50 लाख का बजट भी पास किया, लेकिन हालात इसके इतर हैं। जमीनी हकीकत यह है कि फाइटर प्लेन तो दूर, यहाँ पर वार म्यूजियम की खिड़की तक टूटी हुई हैं। हालात इस कदर ख़राब हैं कि कोई भी शरारती तत्व म्यूजियम में लगे सेना के झंडे फोटो को नुकसान पहुँचा सकता है। हालात इससे भी आगे बढ़ते हैं, पार्क में शौचालय तक नहीं है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अहीरों की खान कहे जाने वाले रेवाड़ी में वॉर म्यूजियम के हालात इतने खराब हैं तो इसका जवाबदेही किसकी है? आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है, अधिकारी या फिर यहाँ का नेतृत्व? अब देखना होगा कि जिस तरह से रेजांगला पार्क विकास समिति के लोग बदहाली को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान हो पाता है या एक बार फिर से यूं ही सैनिकों की अनदेखी होती रहेगी। रविवार को शहर के रेजांगला पार्क में पार्क विकास समिति से लेकर अनेक संगठनों के लोग जुटे, हालात भी दिखाए। अब पहले सुनाते हैं आखिर इन लोगों का क्या कहना है। मैं उषा आर्या, रेजांगला पार्क की जो समिति है उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हालात बदतर हैं, सब कुछ टूटा हुआ है, खिड़की टूटी हुई है, चारों तरफ हाल बदहाल है, क्या कहेंगे इसमें? बस यही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपको भी नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है। और जो यहाँ अच्छे एजुकेटेड लोग, जो सीनियर सिटीजन यहाँ घूमते हैं, वो भी इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वो सब जानते हैं इसके हालात। डीसी साहब तक भी हमने बात की है कि इसमें जो जिम, जितने भी छोटे पार्क हैं सब में जिम है, ओपन जिम है, लेकिन इस पार्क में इतना बड़ा होते हुए भी इन चीजों से वंचित है ये। जो लोगों को पैसे दे करके और बंद कमरों में जो है जिम करनी पड़ रही है, तो एक गरीब से लेकर अमीर तक को एक सहूलियत देनी चाहिए। जो इसमें मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है, उसको हम लिखित में भी दे चुके हैं। वीरों के नाम पे ये पार्क है, बीजेपी वीरों के नाम पे ही राजनीति करती है, आप इस बारे में क्या, इस तरह की अनदेखी क्या कहती है? नहीं, मैं इसको देखो अनदेखी नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी हाल ही में 23 तारीख का शहीदी सम्मान दिवस मनवाया और बहुत जगह पर मना, हर जिले के अंदर मना। यहाँ हमारे 31 वार्ड हैं, 31 के 31 वार्ड में शहीदी सम्मान दिवस मना था। मैं ऐसा नहीं है कि वो इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम सब प्रयास करेंगे तो इस चीज को सुनेंगे भी और करेंगे भी, मैं ऐसा आश्वासन। कोई शिकायत दी आप लोगों ने ताकि इसके सुधार हो यहाँ पे कुछ इस तरह से? शिकायत तो जो थी वो हम दे चुके हैं, डीसी साहब को भी दे चुके हैं, डीडीपीओ को भी दे चुके हैं, इसके हुड्डा के जो अपना ईओ है वहाँ भी हम प्रतिदिन 3-4 दिन में एक बार जाकर कमेटी के लोग जाते हैं और लिखित में देते हैं। हमारी इतनी बही जो है फुल हो चुकी है लिखित रूप की, तो अब डीसी साहब ने मुझे कल ही आश्वासन दिया है, जिमखाना क्लब में मिले थे, कह रहे थे सोमवार को हम इसकी जो है कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग है, सरकार से क्या मांग है, ताकि जल्दी से जल्दी समझ? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि जो कल मैंने परिस्थिति देखी, यहाँ युवा जो बच्चे आते हैं कॉलेज के, वो बैठ करके यहाँ ऐसी मर्यादाहीन हरकतें करते हैं जिनको हमें कहना पड़ता है, उनकी आईडी मांगनी पड़ती है, फिर वो जो है मान तो जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन ऐसा ये दूषित वातावरण बनता जा रहा है कि हमारे जो समाज के वरिष्ठ जो लोग हैं, अच्छे घरों से जो लोग आते हैं, उनको देख करके एक घृणा होती है कि आज हमारी युवा पीढ़ी को
क्या रहा है। तो प्रशासन से मैं ये चाहूंगी कि वहाँ वो आकर के यहाँ किसी की भी ड्यूटी लगाए, कोई महिला पुलिस की ड्यूटी लगाए, ताकि हमारी बेटियां इन चीजों से बच सके, इस आकर्षण का केंद्र ना बने और वो उनके साथ कोई दुराचार ऐसी कोई बात ना हो कि जीवन में वो कचोटती रहे और फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं उनके पेरेंट्स को भी ये एक संदेश देना चाहूंगी कि अपने बच्चियों का भी ध्यान रखें और प्रशासन इसका जरूर ध्यान रखे कि हर पार्क में जहां भीड़ है, पब्लिक पॉलिसी है, वहां पर आकर के उनको जो है सावधान करें। प्रियंका ब्रेवाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हो, जिस तरह से जी पार्क के हालात हैं बदतर हैं, सफाई व्यवस्था भी खराब है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए मैं बिल्कुल इस अभी मैंने जैसे 2-3 बार मुझे इस पार्क के बारे में शिकायत मिली है, तो मैंने पहले भी मुझे यहाँ के कमेटी के सदस्यों ने पार्क की फोटो भेजी थी और सफाई कराने की डिमांड की थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ये रेजांगला पार्क है ये हमारी म्युनिसिपल कमेटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने शहरवासियों की सुविधाओं को देखते हुए, इनकी परेशानियों को देखते हुए नगर परिषद रेवाड़ी द्वारा यहाँ जो हमें शिकायत मिली थी उसकी साफ सफाई हम नगर परिषद की तरफ से कराई गई थी। और अब दोबारा भी हमें ये कंप्लेन मिली है कि इस तरह की दोबारा से वो जो कचरा है वो ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है, तो उसको अब वापस भी हम सफाई कराने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये मैं चाहती हूँ कि जिस भी डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में है उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए नगर परिषद रेवाड़ी के पास अपना ही एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको साफ स्वच्छ करने की जिम्मेदारी हमारे पास है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम शहरवासियों को कि जो जितनी शिकायतें स्वच्छता संबंधित आती हैं उनको हम समाधान दें। प्रशासन और शहरवासियों से क्या अपील है ताकि समाधान हो सके? देखिए प्रशासन से तो मेरा ये अपील करती हूँ कि जो मैंने हमारा जो रेवाड़ी का जो इतिहास है वो एक वीरों के नाम से वैसे ही बड़ा फेमस रहा है, और हमारा जो पार्क है इसका भी रिंजांगला का अपना एक इतिहास है, वीर इतिहास है, तो ऐसे पार्क की इस तरह की दुर्गति शोभा नहीं देती। और हमें प्रशासन को जो भी जिसके भी अधिकार क्षेत्र में ये पार्क आता है, चाहे वो हुड्डा है या जो भी डिपार्टमेंट है, उसकी सख्ताई से उसको नोटिस देना चाहिए कि वो इस पार्क के लिए काम करे, इसकी सौंदर्यकरण को लेके काम करे। अभी कई जगह पे हमने देखे खड्डे हैं जहाँ पे बच्चों के गिरने की जो ज्यादा चांसेस हैं, किसी तरह की गंदगी जो बार बार आ रही है, जिसका बार बार हमें जो शिकायतें जा रही हैं, तो हमें उन समस्याओं का समाधान करने में परेशानी नहीं है, लेकिन जिस भी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी आसानी से अच्छी तरह ईमानदारी से निभाए। सर रेजांगला पार्क को लेकर जिस तरह की स्थिति बदहाल है क्या कहेंगे? ये सर रेजांगला पार्क कम से कम 15 साल पहले बना था, जब से ये बनाया ये फुहारा उस दिन से बंद है, जिस दिन से ये बनाया अपना ये जो संग्रहालय उस दिन से ये बंद है, केयरटेकर के लिए वन रूम सेट बनाया वो उस दिन से बंद है। हमने जब से हम CM विंडो में DC साहब के EO पे हमेशा इसकी लगाते रहते, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई ना हुई। सारे झूले हैं वो टूटे हुए हैं, सारे बेंच हैं वो टूटे हुए हैं, चार दीवार ये चारों तरफ से अवैध लोगों ने गेट बना रखे हैं, इसमें चारों तरफ गंदगी का ढेर लग रहा है पार्क। अब जो ये 2 एकड़ रिलीज करवाई है इसके पेड़ लगा गए थे वो सारा गाय खा गई, इसके चार दीवार करवानी चाहिए थी। हम ये कह रहे हैं जो पूर्व में चार दीवारी है इसको तोड़ के आगे बढ़ाओ पार्क। अब आपने किसी को शिकायत दी इससे पहले? CM विंडो में लगाई, मैं आपके पास भेज दूंगा, हमारे 15 मांगे थी, इनने 2-4 जो छोटी छोटी थी वो तो पूरी करी, बाकी इनने ना तो ये करवाया। जिस तरह से वीरों के नाम पर ये पार्क है इसकी बदहाली हो रही है, क्या ये वीरों का अपमान नहीं है? इस तरह से ये पूरे एरिया का अपमान है। तो अब क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है जितनी भी ये 15-20 हमारी डिमांड है इनको पूरी किया जाए। हम बार बार CM विंडो में DC साहब को, EO साहब को, XCN को, हॉर्टिकल्चर एक्शन को, सबके लगा लिया, कोई कार्रवाई नहीं करते, पता नहीं क्या बात है। अब इतनी बदहाली, वो पार्किंग सारी उसमें कूड़ा पड़ा है, इधर भी चारों तरफ ये झुग्गियां बन रही है, ये खुले में सोच करे पार्क के चारों तरफ, यहाँ तो इतनी ताजगी की बजाय दुर्गंध ज्यादा आती है। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं हुकुमचंद शर्मा, एक्सरिस्ट में। रेजांगला पार्क है बदहाल है, आप पूरे दिन लगे रहते हैं जब भी सुबह में हम देखते हैं, तो क्या कहेंगे इस पार्क के बारे में आप? मैं पिछले 11 साल से सुबह तकरीबन 1-1.5 घंटा रोज सफाई करता हूँ, यहाँ पर देखा गया कि कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता, इसलिए पूरा कचरा पुचरा पड़ा रहता है। बाहर से पार्क में घूमने के लिए आते हैं, खाना खाते हैं, चाय बीड़ी पीते हैं, सारा छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं सुबह 1 घंटा सफाई करता हूँ। बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन लगता है आपको, जिस तरह से रेजांगला पार्क? तो हर इंडिविजुअल जिम्मेदार है इसके लिए, तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, जैसे वीरों के नाम पे पार्क को बनाया गया और लोग अनदेखी इतनी हो रही है,
तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या मांग करेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा जो इधर का जुम्मेवार है उसको इधर देखना चाहिए, साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है लेकिन काम नहीं करते वर्कर्स। गेट करना सीधा आ जाओ। बॉडी गार्ड इधर जो इधर का गार्ड है वो भी नाम बराबर है, कुछ करता नहीं है। तो ऐसे इसका साफ सफाई के लिए जो जिम्मेदार है उसको कराना चाहिए। ठेका छुटता है लेकिन लेबर से नहीं होते इधर। भाई सब बोल रहे सर, शहर का जो सबसे बड़ा पार्क है वीरो के नाम पर रजांगला पार्क नाम है, बावजूद इसके इतनी बदहाली, क्या कहेंगे आप? मेरी कोई बोल लगाने की इसकी। एक तो अहिरवाल जो है वीरों की खान कहा जाता है और सच्चे अर्थों में है भी, तो उस शहीदों की खान और वीरों की खान के अंदर जो है वार म्यूजियम के नाम पर ये एक जो है भवन बना हुआ है। ये अपने आप में साल में 364 दिन बंद रहता है, एक दिन के लिए खुलता है। अगर इसके अंदर की हालत देखें तो आपको म्यूजियम का पता लगेगा कि म्यूजियम में तो बहुत सारी जो है ऐसे ऐसे शस्त्र अस्त्र और कोई गन और तरह तरह की जो है वीरों से संबंधित उनकी यादगारें होनी चाहिए। अंदर से ये केवल जो है मात्र फोटो लगी हुई हैं और दीमक जो है इसको चाट रही है। तो इस व्यवस्था के अंदर दीमक लग रही है पिछले 15 साल से, और जो भी बजट आता है उसमें जो है किस तरह से इसका साफ सफाई, इसका एक जो है रिक्वेस्ट है कि एक जो है एक पीएन या कोई एक चौकीदार भी रख दिया जाए। यहाँ यूरिनल की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ बाथ जाने के लिए पब्लिक टॉयलेट नहीं है। पूरे पार्क में पब्लिक टॉयलेट तो जरूर होना चाहिए, और एक जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट है कि जब भी पार्क में आप आए तो यहाँ पर रिश्ते नाते भी होते हैं। तो इस संबंध में जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बजट बनाया जा रहा है, जल्दी बजट पारित होने के बाद इसकी समाधान किया जाएगा। लेकिन जब इस संबंध में इसके इतर बात की गई तो बताया गया कि हुडा के पास बजट के लिए पैसे ही नहीं है। ऐसे में सवाल है कि जब बजट ही नहीं है तो किस तरह से समाधान होगा, और वीरों की याद में बनाए गए वॉर म्यूजियम की बदहाली दूर होगी? अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से पार्क विकास समिति के लोग इस पर आगे बढ़ते हैं और अधिकारी किस तरह से इसका निदान कर पाएंगे।